हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। आज डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा मेंस परीक्षा का सेट नंबर 5। मैंने ऑलरेडी सेट 1 से लेकर के सेट 4 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है, तो जो स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट इस बुक का पीडीएफ चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुल 11 सेट हैं। 11 सेट में आपको एक प्रीवियस ईयर का सेट मिलने वाला है और 10 सेट हैं जो आपका मॉक टेस्ट होने वाला है। और यही मॉक टेस्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी मैंने 4 सेट को डिस्कस कर दिया है, ये 5वां सेट आज का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने ध्येय वाक्य से, चलो ग्रामीण प्रशासन में। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो सके। तो फ्रेंड्स, आपके समक्ष दिख रहा होगा बिहार दरोगा मेंस टेस्ट 5। तो आज देखेंगे हम लोग, कुल 100 प्रश्न होंगे, तो 100 प्रश्न को हम लोग डिस्कशन अच्छे से करेंगे जैसे हम लोग करते आए हैं। इसमें अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन को देखने के बाद एटलीस्ट 150 प्रश्न तो आपके कवर हो ही जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर अक्षांश रेखा की कुल संख्या है। तो पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या है वह है 179। अब कहिएगा कि कोई स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि 181 होगा, तो सिर्फ अक्षांश कहे तो 181, अदरवाइज रेखा कहे तो रेखा कहने पर क्या होगा कि उसका संख्या है जो 2 घट जाएगा। जो एक उत्तरी गोलार्ध का जो 90 डिग्री है वो घट जाएगा और एक दक्षिणी गोलार्ध का 90 डिग्री है वो घट जाएगा। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 179। जबकि अक्षांशों की संख्या कितनी होगी? 181। तो आपको नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स, कि किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो म्यांमार से स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन है पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको। ये है हमारा प्यारा सा भारत। तो म्यांमार इस तरह का है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से टच करता है, उसके बाद आपका फिर उसके बाद फ्रेंड्स नागालैंड को टच करता है, उसके बाद मणिपुर को और फिर मिजोरम को। यानी ये चारों राज्य हैं जिसे म्यांमार की सीमा स्पर्श करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिकतम किससे स्पर्श करती है? तो सबसे ज़्यादा जो स्पर्श करती है वह अरुणाचल प्रदेश को करती है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, धारवाड़ समूह की चट्टाने बिहार में किन जिलों में मिलती है। तो जो धारवाड़ समूह की चट्टाने हैं वह बिहार के नवादा में भी मिलती है, जमुई में भी मिलती है और मुंगेर में भी मिलती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेबरोए पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। तो सेबरोए की पहाड़ियाँ हैं जो सलेम कस्बा, एक सलेम कस्बा है, कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु के सलेम कस्बा में सेबरोए पहाड़ियाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मेघालय का पठार भाग है। देखिए मेघालय का पठार है वह भी प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, लेकिन यह जो है वह मालदा गैप के द्वारा अलग हो गया है। किसके कारण अलग हुआ है? तो भूनन के कारण। भूनन के कारण मालदा गैप के द्वारा है जो मेघालय की पठारियाँ अलग हो गई हैं। तो ऐसे यह मेघालय का पठार भी प्रायद्वीपीय भारत का ही खंड है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बोडो जनजाति है। देखिए बोडो जनजाति मूलतः गारो पहाड़ी के जनजाति हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो, सॉरी बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, देश में इन मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि स्कूल किया, कृषि मिट्टी कहा जाता है, यानी स्वतः जुताई वाला मिट्टी भी इसे पूछा जा सकता है। तो यह काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी का एक गुण है कि जैसे ही वह काली मिट्टी भींग जाती है तो भींगने के बाद एक गीली और चिपचिपी हो जाती है, जबकि वही मिट्टी जब सूख जाती है तो सूखने के बाद उसमें दरारें उत्पन्न हो जाती है, और दरार उत्पन्न होने के कारण इसे है जो फिर से जोतना नहीं पड़ता है। तो इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, स्वतः कृषि वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो कॉफ़ी बोर्ड, तो कॉफ़ी बोर्ड बंगलोर यानी 51 हो जाएगा। रबर बोर्ड की बात करें दोस्त, तो रबर बोर्ड हो जाएगा कोटायम, तो बी का 3। जबकि चाय बोर्ड की बात की जाए तो चाय बोर्ड हो जाएगा कोलकाता, और तंबाकू बोर्ड गुंटूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 51, बी का 3। देखिए 51 बी का 3 किस में, 51 बी का 3 दोनों में
इसके बाद सी का दिया हुआ कोलकाता, तो सी का फोर किसमें है, सी का फोर हो गया और डी का टू, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए मैं फिर से बोल देता हूँ, कॉफी बोर्ड, बंगलेरु, रबर बोर्ड, कोटाटेम, चाय बोर्ड हो जाएगा कोलकाता, और तंबाकू बोर्ड गुंटूर हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड, स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है जो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। इसका शुरुआत 2001 में शुरू किया गया था और इसका कुल लेंथ है वह है 5846 किलोमीटर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके अंतर्गत चार बड़े महानगर को जोड़ना था, ऊपर दिल्ली, इधर मुंबई, इधर चेन्नई और इधर कोलकाता, तो इस तरह का रोड बनाया जाना था स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी और इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर थी, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। देखिए वार्षिक तापांतर यानी तापांतर कहने का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर में डिफरेंस, यानी जो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना और मिनिमम यानी कि न्यूनतम ताप और मैक्सिमम ताप में डिफरेंस, तो मैक्सिमम ताप और न्यूनतम ताप में डिफरेंस है यानी कि उसका अंतर है, जो सबसे कम होता है वह होता है इक्वेटर पे। इक्वेटर बोले तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इस पर क्या होता है कि सन है जो परपेंडिकुलर पड़ता है भूमध्य रेखा पर, इसके कारण हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। थार सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कहने का मतलब इसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 83% पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, 83% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर पर 83 लोग हैं जो थार मरुस्थल में रहते हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थलरूप देश नहीं है। तो देखिए जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में एक भी देश है जो स्थलरूप यानी लैंडलॉक देश नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। जबकि उत्तरी अमेरिका में जो देश हैं ऊपर कनाडा है, उसके बाद यूएसए है, उसके बाद फिर मैक्सिको है, ये सारे देश हैं इनसे समुद्र टच करते हैं, तो इसका राइट आंसर डी होगा, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, तुर्की यानी टर्की किसके मध्य स्थित है। तो टर्की काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जो भी कुछ आपको इस वीडियो में अच्छा लग रहा हो तो उसके बारे में बताइए, और जो भी कुछ आपको सुधार की ज़रूरत है तो आप सुधार दीजिए, इसकी समीक्षा की जाएगी और मैं उस पर ध्यान रखूंगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से स्पर्श करता है, तो वह जिला रोहतास है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रोहतास ऐसा जिला है जहाँ उसका बाउंड्री है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से टच करता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 3 राज्य। देखिए वन रिपोर्ट का मैंने ऑलरेडी है जो क्वेश्चन सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है पिछले वाले सेट में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ऐसे आप मेरे सेट को अप्रॉक्स देख रहे होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा, इसके आंसर बताने में कोई आपको देर न लगेगी। तो फ्रेंड्स सर्वाधिक वृद्धि वाला 3 राज्य हैं वह है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल, तो देखिए इसका राइट आंसर कौन होगा, ए हो जाएगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। चलिए तो सबसे ज़्यादा वृद्धि वाले राज्य कौन है, कर्नाटक, ये भी आपको ध्यान रखना, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद केरल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली कब प्रारंभ किया गया। देखिए पोर्ट पोर्टफोलियो प्रणाली है जिसकी शुरुआत 1859 में हुई थी, और बात की जाए कि यह है जो मान्यता स्वरूप है जो स्वीकार की गई थी वह की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 से, तो आपको ध्यान रखना है कि पोर्टफोलियो का मान्यता है जो मान्यता स्वरूप कब स्वीकार किया गया, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 से किया गया, जबकि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत इसका 1859 से हुई थी, तो क्वेश्चन में पूछ रहा प्रारंभ कब हुई थी,
तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से फ्रेंड्स मौलिक अधिकार का मिलान गलत है। देखिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 सही है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 ये भी सही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 25 ये गलत है। इसका आंसर अनुच्छेद 23 और 24 होना चाहिए बिकाऊ जी। बिकाऊ फ्रेंड्स 25 आपका धार्मिक स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है, जबकि सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल 29 से 30 ये भी सही है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, मिलान गलत है, तो गलत हो जाएगा सी नंबर। इसमें सुधार के 23 और 24 कर लीजिए, आर्टिकल और 23 और 24 है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के सदस्यों को है जो सम्मिलित किया गया था 17वें संविधान संशोधन के दौरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य शामिल होते हैं? देखिए लोक लेखा समिति में कुल सदस्य 22 होते हैं, ध्यान में आपको रखना है, 15 है जो लोकसभा से और 7 है जो राज्यसभा से। अब देखिए तो पूछ रहा है क्या लोकसभा के सदस्य, तो लोकसभा के सदस्य 15 हो जाएंगे, इसका राइट आंसर बी होगा। अब यहाँ पे है कि लोकसभा जो लोक लेखा समिति है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं वह परंपरागत रूप से हैं जो विपक्षी पार्टी है उसके उम्मीदवार हैं जो इसके अध्यक्ष होते हैं, यानी विपक्षी पार्टी के लोग हैं जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। किस वर्ष राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त कर दी गई? तो यह है जो वर्ष 2003 से ऐसा शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। संसद के दोनों सदनों में किसी विषय पर गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? यह अधिवेशन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जाता है? देखिए जब भी कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, कोई बिल को लेकर के गतिरोध उत्पन्न होता है तब, तो इस अधिवेशन को बुलाया जाता है तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत, और इसके अध्यक्ष होते हैं वह लोकसभा के स्पीकर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 108 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण संविधान के किस अनुसूची में है? तो संविधान के 7वें अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण है, जबकि आर्टिकल की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें जो आर्टिकल हैं वह आर्टिकल 245 से लेकर के 255 के बीच में जो आर्टिकल हैं वह केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण करता है, उसमें सारे कुछ लिखा हुआ है। और भाग की बात किया कि अब कौन सा भाग में है, तो भाग 11 में, ये भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, भाग 11 में है जो केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण का वर्णन है, जबकि अनुसूची की बात की जाए तो अनुसूची 7वीं है, और आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 245 से लेकर के 255 है। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय नहीं है? छावनी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन है, डाकघर बचत बैंक ये भी है केंद्रीय सूची, निगम कर ये भी है, जबकि कृषि पर आयकर जो सॉरी कृषि पर कर जो है वह है जो राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यह संघीय सूची का विषय नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पंचायती राज संबंधी 73वें संशोधन के अनिवार्य उपबंध निम्न में से कौन से हैं? पंचायतों में सांसदों और विधायकों को प्रतिनिधित्व देना, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत सभापतियों के अप्रत्यक्ष चुनाव ये है, विघटन होने की स्थिति में 6 माह के भीतर नए चुनाव ये भी है, पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण उपबंध। देखिए पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण का उपबंध नहीं किया गया है, ये टोटली राज्य पर डिपेंड करता है, सीधे बोल दिया गया कि राज्य पर डिपेंड करता है कि जो पिछड़े वर्ग हैं उसको आरक्षण दिया जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण 73वें संविधान संशोधन में फिक्स कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 2 और 3 हो जाएगा, यानी बी, बाकी जो 1st और 4th हैं वह गलत हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष है उसका मान होता है 9.46 × 10^15 मीटर, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जबकि एक पार्सेक कभी कभी पूछता है, 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, आपको ध्यान रखना है। एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 × 10^15 मीटर, ठीक है, जबकि एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष,
और प्रकाश वर्ष है जो किसकी इकाई है, तो है दूरी की इकाई है, डिस्टेंस की इकाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है, यानी आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन है जो पावर का यूनिट नहीं है, तो वाट है, एचपी है, किलोवाट है, लेकिन वाट आवर है जो शक्ति का मात्रक नहीं है, बल्कि यह है जो एनर्जी का मात्रक है, यह एनर्जी का यूनिट है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वाट आवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो क्या होगा। देखिए लोलक का जो घड़ी होता है उसका टाइम पीरियड की बात की जाए तो टी बराबर होता है 2π√LG। यदि आप इसे ले जा रहे हैं उपग्रह पर, यहाँ पे ग्रेविटेशन का मान 0, इसको यदि यहाँ पे जी जी का वैल्यू जैसे ही 0 पुट कीजिएगा तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आवर्तकाल है जो अनंत हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वह किया गया था एडवर्ड सुएस के द्वारा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बायोस्फीयर शब्द। देखिए कुछ और शब्द हैं जो मैं डिस्कस कर देता हूँ, जैसे पारिस्थितिक तंत्र जो एजी टॉन्सले के द्वारा दिया गया था, तो सर्वप्रथम यह शब्द है जो एजी टॉन्सले के द्वारा दिया गया था, तो इसे आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जैव विविधता शब्द, तो जैव विविधता शब्द दिया गया था वह दिया गया था वाल्टर जी रोजन के द्वारा, तो ये भी आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। भारत में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो भारत में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वह नीलगिरी है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, देखिए प्रकाश की चाल है जो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है, तो अप्रवर्तनांक, इसका राइट आंसर डी होगा। थोड़ी हिंदी में पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो गई है, माफ़ी चाहता हूँ आप लोग से। तो प्रकाश की चाल है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है, अब देखिए जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही प्रकाश की चाल उसमें कम होगी, आपको ध्यान में रखना है। तो यानी कि बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही वेलोसिटी यानी जो प्रकाश की चाल है वह कम होगा, इसको भी आपको ख्याल रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया था, तो चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था, और कौन से लॉन्चिंग व्हीकल से किया गया था, तो वह लॉन्चिंग व्हीकल था GSLV Mark 3। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है, GSLV Mark 3। नेक्स्ट है तारे का रंग किस पर निर्भर करता है, यह प्रश्न जो कई बार PCS एग्जाम में पूछा हुआ है, या तो BPSC हो या फिर UPPCS हो या फिर MPPCS हो, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो तारे का रंग है जो निर्भर करता है उसके तापमान पर, तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। परमाणु का त्रिज्या कितनी होती है, देखिए परमाणु का त्रिज्या आपको कह रहा है, तो परमाणु कहने का मतलब एटम, तो एटम का जो त्रिज्या होता है 10^-10 मीटर होता है, जबकि कोई कहे न्यूक्लियस का त्रिज्या कितना होता है, तो न्यूक्लियस का त्रिज्या 10^-15 मीटर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों प्रश्न कई एग्जाम में पूछा हुआ है, तो एटम का है जो त्रिज्या की बात की जाए तो 10^-10 मीटर, जबकि परमाणु की त्रिज्या की बात की जाए तो सॉरी हाँ परमाणु या एटम की बात की जाए तो 10^-10 मीटर, जबकि न्यूक्लियस की बात की जाए तो 10^-15 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक आपस में किस बल द्वारा बंधे रहते हैं, तो वह जो बल है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यानी स्थिर वैद्युत बल, तो इसका राइट आंसर डी होगा। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में है जो बंधे रहते हैं, और वह कौन सा बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएँ से दाएँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या होता है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है यानी आयनन एनर्जी है वह है जो बढ़ती है, आपको ध्यान रखना है जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं। वही बात की जाए ऊपर से नीचे यानी आप ग्रुप की बात की जाए तो ग्रुप में क्या होता है वह घटती है, आपको ध्यान रखना है। दो प्रश्न मैंने करा दिया, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाइएगा तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, जबकि ग्रुप की बात की जाए तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। किसी बंधन की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, देखिए कोई भी बॉन्ड है वह सबसे ज़्यादा क्रियाशील कब होगा, तो त्रिबंध में यानी जब वह है जो उसमें है जो ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो वह ज़्यादा क्रियाशील होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, देखिए धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, आपको ध्यान रखना है Na2CO3 10H2O, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, Na2CO3 10H2O। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, वहीं पे यहाँ पे एक और आपको बता देता हूँ, बेकिंग सोडा यदि कहे तो बेकिंग सोडा हो जाएगा NaHCO3, ये भी कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है,
तो जर्मन सिल्वर, मैंने ऑलरेडी यह प्रश्न आपको करा दिया, गन मेटल और जर्मन सिल्वर। यदि आप मेरे सेट को लगातार आप देख रहे होंगे तो इसका आंसर आप तुरंत दे देंगे। ठीक है, जर्मन सिल्वर है उसमें होता है कॉपर, जिंक और निकल, तो इसका राइट आंसर डी होगा। जबकि गन मेटल की बात की जाए फ्रेंड्स, तो गन मेटल में होता है कॉपर, जिंक और टिन। कॉपर, जिंक और टिन, टिन को एसन से डिनोट किया जाता है, तो गन मेटल का आप लिख लीजिए कॉपर, जिंक और टिन। जबकि जर्मन सिल्वर में क्या होता है, कॉपर, जिंक और निकल, तो यहाँ पे जर्मन सिल्वर पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जीवधारियों का पांच जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो जीवधारियों का पांच जगत वर्गीकरण है जो व्यूटेकर के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यूटेकर। अब व्यूटेकर हैं जो इसको पांच भागों में बांटा था, कब, तो 1969 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पांच भाग कौन कौन थे? पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, और तीसरा था पादप, और चौथा कवक, और पांचवा जंतु। तो इसे आप अपने नोटबुक में ऐड कर सकते हैं आप, जो विटेकर साहब ने इसे पांच भाग में वर्गीकृत किया था, और कब किया था, तो 1969 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखिए, कोशिका भित्ति है जो बनी होती है वह सेलुलोज की बनी होती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, जीव द्रव्य में किसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है? देखिए, जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत होता है वह ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन लगभग 76% है जो उपस्थित होते हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, प्रोटीन संश्लेषण को कौन नियंत्रित करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण को डीएनए नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डीएनए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में करते हैं? तो यह जो सवाल है जिसे अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं वह है कलोरेला, कलोरेला, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट होता है, तो मैथ 45 से लेकर के 20 क्वेश्चन, यानी कि 65 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ पे मैथ है, तो इसे हम लास्ट में डिस्कस कर दूंगा, पहले हम जीएस का प्रश्न ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 62 से स्टार्ट होता है, किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी आतंकवादी यूकलिप्टस को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ये होगा, यूकलिप्टस को इस चलते पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है क्योंकि यह नॉर्मल जो ट्री है, वृक्ष है, उससे 3 गुना ज़्यादा पानी अवशोषित करती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चलिए, यूकलिप्टस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, 63 है वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग तापमान वृद्धि के लिए सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग का शब्द था जो सबसे पहले उपयोग किया गया था वह किया गया था वालेस बोएकर, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जबकि और में कुछ शब्द हैं जैसे इकोलॉजी, तो इकोलॉजी शब्द है जो अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा शुरुआत सबसे पहले बताई गई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और शब्द है ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस है जो सर्वप्रथम दिया गया था वो दिया गया था जोसेफ फोरियर के द्वारा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए तो वालेस बोएकर, जबकि इकोलॉजी की बात की जाए तो अर्नेस्ट हेकल, और ग्रीन हाउस गैस की बात की जाए तो जोसेफ फोरियर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन परजीवी का उदाहरण है? अमरबेल, लोरेंथस और ओरोबैका, यानी तीनों है जो यह परजीवी का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का घटक नहीं है? तो जल वाष्प है, ओजोन है यहाँ पे, और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, और लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड है जो ग्रीन हाउस गैस का घटक नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बार बॉस सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी? तो बॉस सर्किट ट्रेन है जो नेपाल सरकार के साथ चलाई जाएगी, तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, फीफा 17 महिला विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश ने किया? तो फीफा 17 महिला विश्व कप 2020 का आयोजन है जो किया जाएगा वह भारत में किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, थीम क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस के साथ किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में जो मनाया जाता है 24 अक्टूबर, 21 सितंबर, 11 अक्टूबर या फिर 21 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का थीम क्या था? तो क्लाइमेटिक एक्शन फॉर पीस, आपको ध्यान रखना है, क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस 21
सितंबर, जबकि 11 अक्टूबर की बात किया तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, जबकि 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पुस्तक द टेस्ट एमिनेंट्स की लेखिका, तो टेस्ट एमिनेंट्स की जो लेखिका हैं वह है मार्गेट एटवुड, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, मिलान करना सूची 1 को सूची 2 से कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यह जो सिर दर्द और चक्कर आता है इससे, चलिए सल्फर डाइऑक्साइड तो दमा का बढ़ना, नाइट्रस ऑक्साइड की बात किया तो फेफड़े में उत्तेजन होता है, और फोटोकेमिकल से क्या होता है श्वास उत्तेजन एवं नेत्र में समस्या होती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड सिर दर्द और चक्कर आता है इससे, सल्फर डाइऑक्साइड से दमा का बढ़ जाता है, दमा का बढ़ना, और नाइट्रस ऑक्साइड की बात किया तो यहाँ पे फेफड़ों में उत्तेजन, और फोटोकेमिकल्स की बात किया तो श्वास उत्तेजन और नेत्र से संबंधित समस्या होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन बिम्सटेक का सदस्य नहीं है। देखिए बिम्सटेक की बात किया तो इसमें कुल 7 देश हैं, 7 देश कौन कौन हैं तो आप इसे अपने नोटबुक में ऐड कर सकते हैं, इंडिया है, इसके बाद भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड। अब आप देखिए ये जो क्वेश्चंस है इनमें से करा निम्नलिखित में से कौन बिम्सटेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 7 कंट्री हैं कौन कौन है, तो इसमें मालदीव इसमें ये इंक्लूड नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, तो प्राथमिक प्रदूषक इनमें से कौन नहीं है वो आपको देखना है, तो ओजोन 3 है जो प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर समान लवणता पाई जाती है, देखिए समान लवणता पाई जाती है वहाँ पर आइसोहेलाइन उसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा। जबकि फ्रेंड्स मैं कुछ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे आइसोहाइट कहने का मतलब समान वर्षा, इसे आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए, जबकि आइसोबाथ की बात की जाए फ्रेंड्स तो आइसोबाथ का मतलब समान गहरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विधेयक कब ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विधेयक कब ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, तो यह ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इंडियन लीग, तो इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, जबकि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए अखिल भारतीय दलित वर्ग हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन तो यह हो जाएगा सचिंद्र सन्याल, जबकि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की बात किया तो गोविंद नाडे, तो देखिए ए का आपका हो गया 3, बी का हो जाएगा 4, ए का 3 बी का 4 कौन है, सी इसका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन देख लेते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सचिंद्र सन्याल और अखिल भारतीय दलित वर्ग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, चलिए तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 75 का सी। और मैं कुछ बता दूं कि इंडियन लीग की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1857 में, और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1887 में। यदि आप चाहते हैं कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड करूँ तो आप ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, युगांतर, इंडियन मिरर, यंग इंडिया, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर, जबकि इंडियन मिरर की बात किया तो केशव चंद्र सेन, यंग इंडिया महात्मा गांधी, और युगांतर अरविंद घोष, यानी ए का 3 हो जाएगा और बी का हो जाएगा 4, ए का 3 बी का 4 और सी का 1 और डी का 2, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। युगांतर की बात की जाए तो अरविंद घोष, इंडियन मिरर, केशव चंद्र सेन, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस हो जाएगा वीर सावरकर जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी 76 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यह जो लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, साथ ही साथ इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखा गया था जो काफ़ी प्रसिद्ध है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए
डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78 यानी 78, विद्रोह और दमनकर्ता, यानी जो नेता है विद्रोह के और उधर दमनकर्ता है, तो रानी लक्ष्मीबाई, जनरल हीरोज। यदि आपने मूवी देखी होगी रानी लक्ष्मीबाई की मणिकर्णिका तो आपको पता होगा जनरल हीरोज, जबकि मौलवी अजीमुल्ला, लियाकत अली और बेगम हजरत महल। तो लियाकत अली जनरल नील, बेगम हजरत महल कर्नल कैंपबेल, तो मौलवी अजीमुल्ला हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जनरल रीड। अब देखिए ए का 4 दे रहा है, बी का जो दे रहा है वह 3 दे रहा है, और सी का 1। ए का 4, बी का 3 और सी का 1, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का, वह हो जाएगा बी। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया मौलवी अजीमुल्ला जनरल जनरल रेनरड हो जाएंगे, और वहीं पे लियाकत अली के लिए जनरल कर्नल नील, और रानी लक्ष्मीबाई के लिए जनरल हीरोज, और बेगम हजरत महल के लिए कर्नल कैम्पबेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इंडियन होम रूल लीग के द्वारा आंदोलन दक्षिण भारत में चलाने वाले नेतृत्वकर्ता थे, तो जो दक्षिण भारत में जो आंदोलन चला रहे थे वो एनी बेसेंट इसमें थी, जनरल और जॉर्ज अरुंडेल थे और बीपी वाड़िया थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक इसमें नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक थे वह महाराष्ट्र और कर्नाटक में है जो होम रूल लीग की वहाँ पे उसका बढ़ावा दे रहे थे, और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दक्षिण भारत में चलाने वाले, तो दक्षिण भारत में चलाने वाले बी सी और डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक किनके द्वारा लिखित है, तो यह पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी थी, और महात्मा गांधी का एक और पुस्तक है जो काफ़ी प्रसिद्ध है उनका पुस्तक, वह पुस्तक है हिंद स्वराज, तो भी आपको पता होना चाहिए कि हिंद स्वराज के लेखक भी महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस वायसराय द्वारा लाया गया, तो जो अगस्त प्रस्ताव था यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी पिछले वाले सेट में कवर किया है, तो यदि आपने उस सेट को लगाया होगा तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान होगा। तो लॉर्ड लिनिन थंगो, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में से कौन नहीं थे, देखिए मुस्लिम लीग की जो संस्थापक सदस्य में से हुआ थे आगा खां थे, नवाब सलीमुल्लाह थे और नवाब बकारुल मुल्क भी थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना हैं वह संस्थापक सदस्य में से नहीं हैं, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, ढाका में हुई थी। चलिए ये भी आपको पता होना चाहिए ढाका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। काकोरी षड्यंत्र की घटना से संबंधित नहीं है, देखिए काकोरी षड्यंत्र की घटना है उनसे संबंधित रामप्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाकुल्ला खां भी हैं और राजेंद्र लाहिड़ी भी हैं, लेकिन भगत सिंह है जो काकोरी षड्यंत्र की घटना से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। बारदोली सत्याग्रह की घटना कब हुई, देखिए बारदोली सत्याग्रह की जो घटना है वह 4 फरवरी 1928 को हुई थी। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बारदोली सत्याग्रह के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। नवीनतम अनुसंधानों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल निम्नलिखित में से किसे माना गया है, तो नवीनतम अनुसंधान नया डाटा है, तो नया डाटा के अनुसार है जो यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2017 का रिपोर्ट है कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल हो गया है राखी गढ़ी, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा राखी गढ़ी। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है कि राखी गढ़ी जो है जो कौन से राज्य में है, और इसकी एरिया की बात की जाए फ्रेंड्स तो इसकी एरिया है जो 350 हेक्टेयर है, आपको ध्यान में रखना। इससे पहले मोहनजोदड़ो था, तो मोहनजोदड़ो का एरिया था वह था 300 हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ऋग्वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक था, यह तो सही है। इस काल में स्त्रियां की स्थिति सम्मानजनक थी, सही है। नेक्स्ट है इस काल में बाल विवाह एवं बहु विवाह का प्रचलन था, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजू कहा जाता, यह भी सही था। लेकिन फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ऋग्वैदिक काल में है जो इस काल में बाल विवाह और बहु विवाह का प्रथा नहीं था, जो बहु विवाह का प्रथा जो नहीं था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यह है जो इसमें कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर लिख दीजिए सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत वर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ
अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अंगुत्तर निकाय निम्न में से किस पीठ का भाग है? ठीक है, जो भी भारत का जो भारतवर्ष है जो 16 महाजनपदों में बटा था, इसका जो उल्लेख है जो मिलता है वह बौद्ध धर्म के ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय से मिलता है। तो जो अंगुत्तर निकाय है वह सुदपिटक का एक भाग है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सुदपिटक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हखवनी वंश के राजाओं ने किया। इस वंश का संस्थापक कुरुस था। इस वंश का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से था? जो भी हखवनी वंश है उसका संबंध ईरान से है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सत्य नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य ने महापद्म नंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की? नहीं, वो घनानंद को हटा करके मौर्य वंश की स्थापना किए थे, महापद्म नंद को नहीं। तो यह है जो गलत है, उसकी शासन व्यवस्था विकेंद्रीकरण पर आधारित थी, यह सही है। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली, यह भी सही है। और यह एक विशाल साम्राज्य पर शासन करने वाला भारत का प्रथम शासक था, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन है? इसमें गलत ए है, यह है जो महापद्म नंद न होकर के धनानंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस स्थल पर सप्त पगोड़ा स्थित है? तो सप्त पगोड़ा है जो महाबलीपुरम में अवस्थित है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आधारभूत उद्योग है? तो आधारभूत उद्योग की बात किया तो इस्पात है, विद्युत भी है, कोयला भी है और उर्वरक भी है, इसका राइट आंसर डी होगा, सभी, ये सभी हैं जो आधारभूत उद्योग हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, यदि किसी अर्थव्यवस्था में भंडारण व वितरण की सुविधा में कमी हो और इसके कारण मूल्यों में बढ़ोतरी हो तो वह स्थिति क्या कहलाती है? तो वह स्थिति कहलाती है संरचनात्मक मुद्रास्फीति, यानी कि स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, इसको VVI कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यह प्रश्न है जो हर एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारण संबंधी संतुति करता है, जो यह स्तुति है जो करता है वह करता है CACP जो करता है, इसको हिंदी में बात किया तो बोलता है बोला जाता है कृषि लागत कीमत आयोग, तो इसका राइट आंसर भी होगा, यही है जो MSP का निर्धारण करती है और 2022 तक किसानों का आय दुगना करने का लक्ष्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे आप इसका आंसर जानते ही होंगे, वह है शेख निजामुद्दीन औलिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ए। चलिए शेख निजामुद्दीन औलिया का सबसे प्रिय शिष्य था वह था अमीर खुसरो, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, अमीर खुसरो उसका प्रिय शिष्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, हिमालय हिमायु द्वारा किए गए सैन्य अभियानों का कौन सा सही क्रम है? तो हिमायु द्वारा जो सैन्य अभियान है उनका सही क्रम है वह हो जाएगा दोहरिया, दोहरिया का युद्ध है जो 1532 में हुआ। चौसा का युद्ध की बात करें फ्रेंड, तो चौसा का युद्ध 1539, जबकि मछीवारा का युद्ध है जो मछीवारा का युद्ध 1555, वो भी मई में हुआ था 1555 में, और जबकि सरहिंद का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था जून 1955, तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, सॉरी 1555 नॉट 1955। तो हिमायु द्वारा जो सैन्य अभियान था उसका सही क्रम है दोहरिया, चौसा, मच्छीवार और सरहिंद, तो इसका राइट आंसर भी होगा, कब कब हुआ है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दोहरिया 1532, चौसा 1539 और मच्छीवारा मई 1555, और चौसा का जो सॉरी सरहिंद हो जाएगा वो हो जाएगा जून 1555, तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, शेर शाह को व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में न जानकर व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शेर शाह के आर्थिक प्रशासन के बारे में सत्य नहीं है? शेर शाह के समय आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था, सही है। मुल्तान के भूमि कर उपज का 1/3 भाग था, गलत। जो मुल्तान में भूमि कर उपज का है जो 1/4 भाग था, ये आपको सुधार लेना है। भूमि का माप 32 अंकों वाला सिकंदरी गज व एवं सन की डंडी का प्रयोग होता है, तो ये भी सही है। उन्होंने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया चलाया, ये भी सही है। इसमें गलत कौन है फ्रेंड्स? ये गलत है इसमें बी, यह मुल्तान में भूमि कर है जो उपज का 1/4 भाग था, ये आपको ध्यान में रखना, बाकी सभी तीनों फैक्ट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर एवं हेमू के बीच में हुआ, चलिए ठीक है।
इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, जो अकबर के द्वारा इबादत खाना की स्थापना है वो 1575 में की गई थी। क्योंकि बात करें फ्रेंड्स जजिया कर की समाप्ति कब हुई थी, तो 1564। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। जजिया कर की समाप्ति अकबर के द्वारा किया गया था 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट फ्रेंड, दीन ए इलाही की घोषणा, दीन ए इलाही की घोषणा की गई थी, वह की गई थी 1582 में। तो इसे भी आप अपने नोटबुक में ऐड कर सकते हैं, दीन ए इलाही की घोषणा है जो 1582 में की गई थी। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, बाबर द्वारा रचित आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में की गई? जो बाबर के द्वारा रचित आत्मकथा उसका बाबर नामा है, उसका जो भाषा है वह तुर्की है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100, कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे, उन्होंने किस प्रमुख तेलुगु ग्रंथ की रचना की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कृष्णदेव राय जो तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे, उनके द्वारा जो तेलुगु ग्रंथ की प्रमुख रचना है वह है अमुक्त माल्याद। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जबकि हरिकथा सार है जो अलासानी पद्देन के द्वारा लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वही परिजात हरण जो है वह लिखा गया है नंद तिगमन के द्वारा, नंद तिगमन। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको 100 प्रश्न तो ऑलरेडी कवर कर दिया, 100 का आंसर ये हो जाएगा। और हरि कथा सागर है जो लिखा गया है अलासनी पद्देन के द्वारा, अलासनी पद्देन, क्योंकि परिजात हरण है जो लिखा गया है नंद तिगमन, नंद तिगमन। मैंने फिर से इसे रिपीट कर दिया ताकि आप इसे अपने नोटबुक में ऐड कर दें। अब देखिए फ्रेंड्स, जो भी कुछ मैथ के क्वेश्चन है मैं उसे डिस्कस कर देता हूँ। चलिए, तो फ्रेंड्स हम लोग मैथ को अब कवर करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 7 घंटा 20 मिनट एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटा 20 मिनट लगते हैं यदि वह एक तिहाई यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करे तथा शेष यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करे तो उसने कुल कितनी दूरी तय की? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 360 किलोमीटर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ए बी सी आयु 3:4:5 है, उसकी औसत आयु 24 वर्ष है, तो बी और सी की आयु का योग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब हो जाएगा बी 54 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, 48 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 प्रति किलोग्राम वाली चीनी मिलाई जाती है ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52.50 रुपये प्रति किग्रा हो जाए। तो है जो कुल 108 kg है जो 48 रुपये वाली चीनी मिलाना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा डी। देखिए मैं आंसर सिर्फ बोल देता हूँ, ऐसे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं और अकॉर्डिंग टू डिमांड मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। क्योंकि यहाँ पे हैंड से इसका सोल्यूशन देना काफ़ी क्लियर नहीं है, इसके लिए अलग से हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं ले आऊँगा और सोल्यूशन आपको दिखा दूंगा, ऐसे यहाँ पे ज़्यादा कुछ क्लियर हो नहीं पाता है। तो बस मैं आंसर बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ऐसे आप इसे पाउच करके बना लीजिएगा, बना करके आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 फ्रेंड्स, 49 का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इसका भी आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात किया तो 51 में आपका यहाँ पर बेलनकार टंकी है, तो ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा वह हो जाएगा 105 यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, यह ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो इसका अनुपात 1:3 दे रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए 30 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, इसमें आपको ये अच्छा प्रश्न है, यह समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब हर एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका एंगल क्या होगा, तो इसका एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री होगा, लेकिन हाफ BOC पूछ रहा है ना, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, यानी हाफ BOC क्या होगा, हाफ गुना 120 यानी
सिक्सटी डिग्री ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, ये है जो आपका सिंपल रीजनिंग है, तो इसका राइट आंसर 56 का हो जाएगा, अब हो जाएगा डी। इसमें आपको क्या करना, फिल इन द ब्लैंक्स करना ताकि यह इक्वेशन फॉलो हो जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, यह जो प्रश्न है इसमें बताना है कि तीनों में से जो चारों ऑप्शन इसमें से भिन्न कौन है, तो जो भिन्न है वह ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात की जाए तो 60 का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, मैंने ऑलरेडी आपको कवरिंग कर दिया है कि यूकलिप्टस को पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है क्योंकि यह जो नॉर्मल वृक्ष से 3 गुना ज़्यादा पानी को अवशोषित करता है। ठीक है फ्रेंड, मैंने आपको यहाँ पे मैथ का बस आंसर आपको बता दिया, लेकिन आप मैथ जरूर बनाइएगा और रीजनिंग भी जरूर बनाइएगा क्योंकि सिलेक्शन आपका मैथ और रीजनिंग से ही होने वाला है। मैथ और रीजनिंग आपका सही हो गया तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, और जिन स्टूडेंट को यदि मैथ और रीजनिंग में दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं देखा था पिछले वीडियो में मुझसे 4-5 स्टूडेंट ही कमेंट किए थे कि सर आप मैथ का सोल्यूशन लाइए, तो इसके लिए थोड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होना चाहिए तभी मैं उसका सोल्यूशन भी ला करके दे दूंगा। और उसका सोल्यूशन इस तरह से नहीं दूंगा, इसका सोल्यूशन पहले मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा और सॉल्व करके बता दूंगा, क्योंकि ऐसे इसका रिप्लाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और साथ ही साथ यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि फ्रेंड्स यदि लाइक मिलती है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, यदि हो सकता है कि मैं कोई प्रश्न का आंसर गलत बोल दिया हूँ तो उसे आप फॉर यहाँ पे जस्टिफिकेशन ताकि चेक करें कि क्या मैं बताया हूँ सही बताया हूँ, वहाँ पे ये भी चेक हो जाएगा। साथ ही साथ आपका भी जो डाउट हो आप डाउट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फ्रेंड्स यह जो कम्युनिकेशन है वह डुअल नेचर का होना चाहिए। डुअल नेचर कहने का मतलब कि आपको जो भी मन करे वो आप क्लियरली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। और साथ ही साथ कुछ भी एक्स्ट्रा आपको जो भी कुछ चैप्टर पढ़ने का मन है तो आप उसे नोटबुक वहाँ यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।